हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आज हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में पढ़ेंगे। लॉज दो टाइप्स के होते हैं, सब्सटेंटिव लॉज और प्रोसीजरल लॉज। सब्सटेंटिव लॉज वह लॉज होते हैं जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ बताते हैं पर्संस की, जैसे इंडियन पीनल कोड एक्सेट्रा। और प्रोसीजरल लॉज वह लॉज होते हैं जिसमें उन राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को इन्फोर्स करवाने का प्रोसीजर दिया गया होता है। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 एक प्रोसीजरल लॉ है। प्रेसिडेंट ने द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को असेंट 25 जैन 1974 में दी थी और यह कोड 1 अप्रैल 1974 से इन्फोर्स में आ गया था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 एक प्रोसीजरल लॉ है जो मशीनरी प्रोवाइड करता है ऑफेंडर्स को पनिशमेंट देने की, जो सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉज में दी गई है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिटेल प्रोसीजर बताया गया है इंडियन पीनल कोड या दूसरे क्रिमिनल लॉज में दिए गए ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल का। शुरू में कोई यूनिफॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नहीं था, जब तक कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1882 नहीं आ गया था। वह कोड 1898 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के साथ रिप्लेस कर दिया गया था। उसके बाद 1923 और 1955 में भी कोड अमेंड हुआ। लेटेस्टली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 चल रहा है। सेक्शन 4, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड एंड अदर लॉज। सेक्शन 4 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग इंडियन पीनल कोड 1860 में दिए गए सभी ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स कोड में दिए गए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही होगी। सेक्शन 4 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग इंडियन पीनल कोड के अलावा दूसरे लोकल लॉज या स्पेशल लॉज में दिए गए ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल कोर्ट में दिए गए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही होगी। पर अगर उन ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के लिए कोई और लॉज इन्फोर्स में हैं तो वह प्रोविजंस ही अप्लाई होंगे। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। सेक्शन 2 क्लॉज ए में बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों की डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 2 क्लॉज ए के अकॉर्डिंग बेलेबल ऑफेंसेस वह ऑफेंसेस होंगे जो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल दिए गए हैं या जो किसी दूसरे लॉ में जो उस टाइम इन्फोर्स में है उसमें बेलेबल दिए गए हैं। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वह हैं जो बेलेबल ऑफेंसेस नहीं हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लास्ट में दो शेड्यूल दिए गए हैं। फर्स्ट शेड्यूल में इंडियन पीनल कोड के सारे सेक्शंस दिए गए हैं और ऑफेंसेस बेलेबल है या नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, ट्रायल कौन करेगा ऑफेंसेस का, सबकी टेबल दी गई है। डेफिनेशन में फर्स्ट शेड्यूल यही दिया गया है और डेफिनेशन में अदर लॉज का मीनिंग है कोई दूसरे स्पेशल या लोकल लॉज, जैसे टैक्सेशन के लिए अलग लॉज हैं, मैरिज प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग लॉज हैं एक्सेट्रा। अदर लॉज के बारे में सेकेंड शेड्यूल में लिस्ट में है, सेकेंड शेड्यूल में लिस्ट दी गई है जिसके अकॉर्डिंग 3 साल से कम की पनिशमेंट के ऑफेंसेस बेलेबल होंगे और 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट के ऑफेंसेस नॉन बेलेबल। बेलेबल ऑफेंसेस, बेलेबल ऑफेंसेस वह ऑफेंसेस होते हैं जिसमें डिफेंडेंट
वह पर्सन जो क्रिमिनल केस में खुद को डिफेंड कर रहा है रिलीज हो सकता है बेल देकर। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, द टर्म नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का मतलब यह नहीं है कि अक्यूज्ड को किसी भी सरकमचांसेस में बेल नहीं मिलेगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 437 में प्रोविजंस दिए गए हैं जहां अक्यूज्ड को नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल मिल सकती है एक्सेप्ट वह रीजनेबल केसेस जहां पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट हो। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 50 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर बेलेबल ऑफेंसेस में भी विदाउट वारंट अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकती है पर अरेस्टेड पर्सन को सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी कि अगर वह श्योरिटी अरेंज कर लेता है तो उसे बेल मिल सकती है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के एग्जांपल है मर्डर, डोरी डेथ, अटेम्प्ट टू मर्डर, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, किडनैपिंग, रेप एक्सेट्रा। अगर पर्सन नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है तो वह बेल एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकता पर लॉ ने कुछ स्पेशल सरकमचांसेस भी दिए हैं जहां अक्यूज अगर कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है या कोई जस्ट और प्रॉपर स्पेशल रीज़न भी नहीं है बेल रिफ्यूज़ करने का तो उसे बेल मिल सकती है। जैसे अक्यूज 16 ईयर्स से कम का हो या वुमेन, कोई बीमार पर्सन या इंसेन पर्सन एक्सेट्रा हो। डिफरेंस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। फर्स्ट है बेलेबल ऑफेंसेस कम सीरियस और कम गंभीर नेचर के होते हैं जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ज़्यादा सीरियस और गंभीर नेचर के होते हैं जैसे मर्डर एक्सेट्रा। सेकेंड है बेलेबल ऑफेंसेस में बेल एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम की जा सकती है जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल कोर्ट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड होती है। थर्ड है बेलेबल ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मतलब जो ऑफिसर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वह बाइंड होता है बेल ग्रांट करने के लिए। पर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में पुलिस के पास कोई राइट नहीं होता बेल ग्रांट करने का। बेल ग्रांट करने का राइट डिसीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जज के पास होता है सिर्फ। फोर्थ है बेलेबल केसेस में अगर अक्यूज अरेस्ट होने के बाद प्रॉपर श्योरिटी दे देता है और बाकी सब कंडीशंस भी सेटिस्फाई कर देता है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बाइंड हो जाता है उसे रिलीज करने के लिए। पर नॉन बेलेबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अक्यूज को अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जज के पास प्रेजेंट करना होता है। उसी वक्त अक्यूज के पास राइट आता है खुद से या अपने लॉयर या रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बेल के लिए अप्लाई करने का। गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइज़।